एक जलते घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिस घर को लेकर ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के हंडवाड़ा इलाके के बटगुंड एरिया में एक घर था, जानकी नाथ जो कि कश्मीरी पंडित है उनका घर था, जिसमें आग लगी हुई है। वो वीडियो साफ तौर पर नजर आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तेजी से वायरल हो रही है, और उसमें केवल ये दिख रहा है कि एक घर है और उस घर में आग लगी हुई है। लेकिन लोग उसको लेकर ये क्लेम कर रहे हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ और पाकिस्तान को इंडिया की टीम ने हराया, उसके बाद उस घर में आग लगाई गई, ये क्लेम है जो लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंडवाड़ा ने क्लैरिफिकेशन दी है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो को लेकर। कह रहे हैं कि दी आफ्टर इफेक्ट ऑफ इंडिया डिफीटिंग पाकिस्तान, ए हाउस ऑफ मिस्टर जानकी नाथ ऑफ बटगुंड ऑफ हंडवाड़ा वॉज बर्न्ड। यही कह रहे हैं कि देखिए क्या हालत हो चुकी है कि कश्मीरी पंडित का घर जो है वो हंडवाड़ा कश्मीर में जलाया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंडवाड़ा ने क्लैरिफाई करते हुए, कॉन्टेक्स्ट देते हुए ये कहा है कि कल का अक्टूबर 23 का जो बटगुंड में ये फायर इंसिडेंट है, पिछले 8 साल से जो लोकल केयर टेकर है जो उस घर की देखभाल कर रहा था, वो उस घर में सूखी हुई घास जो है वो स्टोर कर रहा था, जिसके बारे में ओनर को मालूम था, यानी कि ओनर की कंसेंट के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन है, तो उसी के चलते जो है वो ओनर की सहमति के साथ वो केयरटेकर वहां पर सूखी हुई घास जो है उसने रखी हुई थी, जिसके अंदर आग लगने के कारण जो है ये आग लगी है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंडवाड़ा का कहना है, उनका कहना है कि एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर दी गई है पुलिस स्टेशन कलामाबाद में सेम दिन, और साथ ही में जो फोरेंसिक की टीम है उन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं साइट से, ताकि असर्टन किया जा सके कि मामला क्या था, आग आखिर लगी कैसी थी, क्या आग खुद लगी थी या आग लगाई गई थी। ये भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन अभी इस फायर को लेकर चल रही है, तो लोग जो हैं वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए कोई इस तरीके के क्लेम ना करें, कोई कंजेक्चर ना करें, अपनी मनगढ़ंत कहानियां ना बनाएं, जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन सफर कर सकती है। साथ ही में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अक्टूबर के महीने में ही अगर देखा जाए, ऐसे 7 और इंसिडेंट्स भी जो हैं हंडवाड़ा के ही इलाके में आ चुके हैं, जहां पर जिन घरों में ये सूखी हुई घास जो है वो स्टोर की हुई थी या ड्राई क्रॉप स्टोर की हुई थी, वो अचानक से उनमें आग लग गई। और ये कहा गया कि क्योंकि फॉरेस्ट ये हार्वेस्ट सीजन है, इस हार्वेस्ट सीजन में अक्सर जो है ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, और ऑलरेडी हंडवाड़ा में ही 7 ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंडवाड़ा ने जो कॉन्टेक्स्ट पहुंचाने की कोशिश की है, कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है, वो यही दर्शाता है कि वो बताना चाह रहे हैं कि फिलहाल इसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए, एफआईआर लग चुकी है, जब इन्वेस्टिगेशन में और साथ ही में जो फोरेंसिक्स की टीम ने सैंपल्स वहां से उठाए हैं, जब उसकी तहकीकात होगी, फिर जाकर ये क्लैरिफाई किया जा सकेगा कि आग खुद लगी थी या आग लगाई गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो कहा जा रहा है कि 7 पहले भी जो है 7 घरों में आग लग चुकी है, उन्हीं घरों में आग लगी है जिन घरों में ये ड्राई ग्रास है, तो जानबूझकर इसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ जोड़ने की कोशिश करना, जस्ट बिकॉज ये जो घर था ये घर है कश्मीरी पंडित का था, कश्मीरी पंडित जानकी नाथ का था, ये जो है वो कहना सही नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप जानते हैं कि खबर जो है वो तेजी से फैलती है, र्यूमर्स और तेजी से फैलते हैं, इस वजह से ऑलरेडी सुबह से जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही होगी। ये सामने भी आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है घर में, और यही तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। ये आपने सामने दृश्य देखे, ये हंडवाड़ा के बटगुंड इलाके के दृश्य हैं, और इसमें बताया ये जा रहा है कि जानकी नाथ जो कश्मीरी पंडित हैं उनका घर है जिस घर में आग लगी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंडवाड़ा ने ये कहा कि जो केयर टेकर इस घर का ख्याल पिछले 8 सालों से रख रहा था,
उसने यहाँ के ओनर की सहमति के साथ यहाँ पर ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास जो है वो स्टोर करके रखी थी। और आप जानते हैं हार्वेस्ट सीजन में अक्सर जो है जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो इसी तरीके से घरों में स्टोर करके रखी जाती हैं। और ऑलरेडी अगर 7 घरों में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा का कहना है कि हो सकता है कि वैसा ही एक इंसिडेंट यहां पर भी हुआ हो। लेकिन अभी जो है इसे सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ जोड़कर जो देखा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा का ये कहना है कि आप इन्वेस्टिगेशन की खातिर कम से कम ये सारी मनगढ़ंत कहानियों से, इन कंजेक्चर से फिलहाल बचें।